समझ रही यार तेरे को कितनी बार समझा, काम कर यहाँ पे, तेरे को काम के लिए लेके आया हूँ मैं, ये काम करूंगी मैं, नहीं ये काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी? एक ही है लेकिन यार एक नहीं कर तेरे गला पे बाबू यहीं पे आजा आजा तो ऐसी काम कर मैंने रखा तो मेरी बात को नहीं समझती मार है भाई क्यों कर रहे हो सब तुम पैसे के लिए कर रहे हो ना कोई और मैटर तो नहीं है मगर तुझे मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है मैं अपने घर से इसलिए लेके आया हूँ कि तू मेरी खेती करे ठीक है खेती नहीं आती मुझे तो करना है तो शिकार भाई को हस्बैंड वाला भाई को और मैटर लग रहा है तो नहीं समझ में एक मिनट बाढ़ वगैरह सही बात नहीं है यार मुझे गुस्सा मत दिला तक मैं तेरे को नहीं मार दूंगा अभी और तेरा बाप माँ बाप कुछ भी नहीं कर पाएंगे समझ रही है ना धमकी दे रहा भाई क्या कर रहा तेरे को जब मैंने बोला कि तेरे जब आपसे पैसे लेके आजा आजा पैसे को नहीं लेके नहीं मेरे पापा के पास पैसे लेके आ ले लेके आ मेरे पास पैसे नहीं है भाई 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 एक मिनट एक मिनट क्या बात हो रही है कौन है भाई तू क्या हो रहा है अरे कुछ भी हो रहा है मेरी वाइफ का मैटर है मेरा मैटर अरे एक मिनट क्या हो रहा है अरे भाई तू जाना तू कौन है यार नहीं नहीं ये क्यों मार रहा आपको अरे मेरी मर्जी मैं मारू अरे एक मिनट रुक जाना क्या हो रहा है एक मिनट खड़े हो जाओ आप क्या हो रहा है तू यार कौन है भाई मैं शादी करके आई थी इसके साथ शादी करके आए थे फिर शादी हाँ, पता ही क्या करा झूठ बोल के पता नहीं कौन सी जगह लेके आया शहर कह रहा है हम शहर चल रहे हैं और यहाँ पे मुझसे खेती बाड़ी करवाता है ये देखो भाई ये मतलब ये लड़की है और ये लड़का इसको शादी करके लेके आया था और बोल रहा था हम शहर चलते हैं और यहाँ पे है ना देखो कहाँ पे डाल दिया इस लड़की को बेचारी को ओए क्या है क्या है फिर तू किस लिए मार रहा है इसको ये बहुत अच्छे घर से है अच्छा ये मुझे परेशान करने के लिए यहाँ रखा हुआ है इसने अच्छा ये घर नहीं है इसका ये परेशान करने के लिए लेके आया करेगी और यही खेती करवाऊंगा तुझसे ये जान लो क्यों किस किस के खेतों में काम करवा रहा है मुझसे क्यों भाई नहीं एक बात बता किस लिए करेगी ये काम है मेरी मर्जी मेरी वाइफ में कुछ करूँ तू मेरे मैटर में क्यों पड़ रहा भाई जाता क्यों नहीं यार मेरी बात तू इधर क्या ये देख लो भाई ये अरे एक ये बात है किस लिए मार रहा है ये देखो भाई कैसे मार रहा है इस लड़की को भाई एक मिनट आप खड़े हो जाओ आप ओए चुप है मारेगा आप चले जाओ नहीं नहीं ऐसे कैसे मारेगा मुझे मार एक बात बताओ ये जानता है मेरे को नहीं अभी जान जाएगा मैं कौन हूँ और कौन नहीं मेरी पत्नी है मैं कुछ भी करूँ तू जाना फिर तेरी पत्नी है तो मैं कुछ भी करूँ भाई इसका मैं मारूँ चाहे कुछ भी करूँ ये देख लो ये देख लो किस लिए खड़ा हो किस लिए मार रहा है तू इसको मतलब नहीं करेगी तो मतलब एक मिनट आप खड़े हो एक बार खड़े हो एक मिनट रुक एक बात बता शादी करके अगर ये आ गई तो गलती कर दी इसने प्यार किया था गलती कर दी है मतलब प्यार की तू ये सजा दे रहा है क्या इसको है भाई मेरी मर्जी में कुछ दहेज मांग रहा है किस बात का दहेज किस बात का दहेज भाई भाई इसके बाप ने मुझे 2 लाख रुपए के लिए बोला था किस लिए नहीं दे रहा इसका बाप तेरे को 2 लाख रुपए एक मिनट मेरे पापा के पास कैसे मैसेज भेजे एक मिनट रुको 2 लाख रुपए मंगवा ले अपने बाप से वरना तुझे जान से मार दूंगा ये तो मैसेज कर रखे हैं 2 लाख रुपए मंगवा ले अपने बाप से वरना तेरे को जान से मार दूंगा जान से मारेगा इसको ये बताओ सुनो रोने की जरूरत नहीं है खड़ा 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 परेशान है खड़ा हो यार दे इस लड़के ने तेरे से शादी कर ली कोई गुनाह कर दिया कोई पाप कर दिया भाई पाप नहीं कर दिया तो मेरी मर्जी मेरी वाइफ है मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी नहीं है नहीं एक बात बता पत्नी है ये तेरी पत्नी पता है क्या होती है घर की लक्ष्मी होती है क्या होती है घर की लक्ष्मी तो है भाई और घर की लक्ष्मी के साथ क्या कर रखा है तूने तो इसके बाप ने वादा क्यों करा था मुझे पैसे देने के लिए मैं नहीं कमा रहा मुझे पैसे चाहिए खाने पीने के लिए इसे लड़की की हालत देखो भाई लव मैरिज करी थी ना लव मैरिज करी थी अब लव मैरिज करने के बाद तो बाप ने बोल दिया था ना बाद में दूंगा भाई यही होता है वो कहां से देंगे वो गरीब है एक मिनट यही होता है मतलब जब है ना एक लड़की अपने माँ बाप के ऊपर से लव मैरिज करने का नतीजा देख लिया होगा अपने माँ बाप के ऊपर से आए थे ना है अपने माँ बाप के ऊपर से आए थे ना है उसके बाद क्या क्या मिला आपको क्या मिला कुछ नहीं मिला है ना तुम्हारे माँ बाप ने मना भी किया होगा ना मना किया और मना करने के बाद फिर इसके पास आ गए हैं अरे इसके साथ आराम से क्यों नहीं रह रहा तू भाई है? मैं क्या भाई 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 क्या करेगा यार तू जाना मैं रह लूंगा जैसे रहना ये
ठीक है, कैसे मतलब मारेगा इसको, काम नहीं करेगी तो पिटेगी ये, और पैसे नहीं देगी लेकिन यही घर से पिटेगी, काम करेगी काम नहीं करेगी तो पिटेगी। पता आपको मैं क्या बताऊं भैया, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन लड़के आते हैं और ये उनके साथ बैठ के ड्रिंक करता है। अच्छा, और मुझे भी कहता है कि तू भी बैठ और उनके साथ गलत काम कर। ये देख लो भाई, ये देखो भाई, इसके यार दोस्त आते हैं, इसके पास दारू वारू पीते, और उसके बाद ये अपनी पत्नी को बोलता है कि इसके साथ गलत काम कर, मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब ये गलत काम करवाने के लिए इसको लेके आया हुआ है। और बाप क्या, तेरे बाप पैसे नहीं देगा तो तू पैसे देगी, ऐसे पैसे देगी क्यों देगी भाई। नहीं एक बात बता, कहाँ से देगी है पैसे ये बता, ये बता, ये बता, ये बता, कहाँ से देगी है पैसे, कहाँ से देगी है, कहाँ से देगी पैसे ये बता, कहाँ से देगी, कुछ भी काम करेगी, कुछ भी तू एक बात बता, कुछ भी तो कर रहा है तू, एक मिनट, तेरी मर्दानगी कौन सी है फिर, मतलब ये कुछ भी काम करेगी तेरी मर्दानगी कौन सी है भाई, मेरे कुछ भी हो यार मैं कुछ भी करवाऊ इससे, तुम यार तुम जाओ ना यार प्लीज, क्यों तुम दिमाग खराब कर रहे हो, मैं नहीं जा रहा, अरे ये भी तेरे पास नहीं रहेगी, अपने माँ बाप के पास जाएगी, नहीं जाओगे ये कैसे चली जाएगी, ये तो मेरी पत्नी है, जाके बताऊ उसे, क्यों नहीं जाएगी, 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 मत मारो बस इसे, मैं इससे दूर चली जाऊंगी, मत मारो, दूर रहना है ना। हाँ। एक काम करो, सुनो मेरी बात, आप दूर जाओ ठीक है, अरे भाई निकल निकल जाऊ रहा है, इससे मुझे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स मिल जाएगा या तेरा ख्याल कौन रहा है, निकल जाऊ रहा है भाई, देख ले प्लीज यार मुझे नहीं रहना, ये जगह किसकी है, ये इसको पता है, मुझे नहीं पता किसके भाई, ये जगह ये मेरी जगह ही है, ये जगह तेरी है, ये तो बोल रही है तू फ्लैट में रहे, फ्लैट में तो ये गांव की नहीं आउट एरिया में, इसको क्यों नहीं रख रहा फ्लैट में, फ्लैट में इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि वहां पे मैं कुछ काम नहीं करा पाऊंगा, क्या क्या काम नहीं करा, काम करवा पाऊंगा, खड़ा हो भाई, मार रहा है, अरे तू खड़ा हो, सुने सुने ऐसा है, सुनो मेरी बात, इसके साथ आपको रहना नहीं है, ठीक है, डिवोर्स चाहिए भाई, ऐसा है सुन, डिवोर्स के पेपर तेरा घर पे पहुंच जाएंगे, तू रहता निकल जा, खैर जा तू रहता है, दिख मत जाइए, चल निकल निकल, दफा दफा हो दफा, मुझे भी आप स्टेशन तक कहीं, एक मिनट में आपने स्टेशन तक ही छोड़ दूंगा, मैंने एक बात बताओ, ये बताओ आपके माँ बाप से आपकी बात हुई है, नहीं हुई है, भेजता है उनको मुझे जान से मारने की धमकी, आपके माँ बाप इधर आ जाओ, थोड़ा सा गया वो बाहर चला गया, ठीक है, यो तो आपकी जिंदगी में दोबारा आओगे नहीं, आपके माँ बाप के पास मैं आपको पहुँचाऊंगा, आपके माँ बाप से मैं बात करूंगा, ठीक है, और अभी आपके मैं टिकट करवा लेता हूँ, ठीक है ना, चलो भाई आ जाओ, ठीक है भाई, एक चीज और कहूंगा, या देख लो भाई, ये एक लड़की ने लव मैरिज करी है उसका नतीजा है, ठीक है, जो लड़की अपने माँ बाप के ऊपर होके, अपने माँ बाप से ऊपर होके लव मैरिज करती है ना, उनके साथ ये होता है, तो भाई वो लड़की है ना सतर्क रहे, क्योंकि है ना ऐसे लड़के आपकी जिंदगी सिर्फ बर्बाद कर सकते हैं, आबाद नहीं कर सकते, चलो भाई ठीक है, कर दे भाई वीडियो बंद।